बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमेर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट सियालकोट जो कि शाहपुरा में वाकया थी वो दिखाई थी, लेकिन आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जी डस्का रोड के ऊपर। सियालकोट की जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स और कंपनीज़ हैं वो जनाब डस्का रोड पर काम करती हैं, जिसमें फ़ुटबॉल की इंडस्ट्री भी वहाँ पर है, लेदर की भी, सर्जिकल की भी। ये तमाम कंपनीज मैं आपको आज दिखाता हूँ, पूरा ब्लॉग देखना है आपने, तो चले आए बिला तखीर, अब चलते हैं। जीवर्स, इस टाइम हम सियालकोट डस्का रोड से गुजर रहे हैं और डस्का से सियालकोट की तरफ रवा दवा है। तो जैसे ही आप मोटरवे क्रॉस करते हैं तो आपको राइट साइड पे जनाब ये आएगी सिल्वर स्टार कंपनी, बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ी कंपनी है जी ये सियालकोट की, जो कि सॉकर बॉल्स भी बनाती है और इसके अलावा गोल कीपिंग ग्लव्स भी बनाती है और होजरी का भी ये काम करते हैं। काफ़ी अच्छी एक्सपोर्ट है इनकी। तो इसके बिल्कुल सामने जनाब रास्को है, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। ये देखिए कितनी मोटर बाइक यहाँ खड़ी हैं सियालकोट से, या यहाँ के मकामी लोग जनाब यहाँ काम वगैरह करते हैं, बहुत ही यानी अच्छी कंपनी है ये रास्को। इनकी मिल भी है, राइस मिल, बिल्कुल इसके साथ जनाब रास्को की राइस मिल भी है। ये देखें कितनी आपको बसें नज़र आ रही हैं, ये यहीं जनाब लोग काम करते हैं और पिक एंड ड्राफ्ट सर्विस भी ये देते हैं। ये देखिए जी रास्को राइस मिल भी गुजरी है। तो आप आगे आएंगे तो आपको जनाब ये मोतरा की नहर मिलेगी, बहुत ही मशहूर नहर है। आज मैं आपको ये भी विज़िट करवाता हूँ क्योंकि यहाँ भी एक कंपनी है, वो जो सामने आप दूर से देख रहे हैं जी रूबी फोम, यानी फोम बनाते हैं, जो मल्टी फोम जो होता है वो बनता है इधर। देखिए सियालकोट में माशाल्लाह कितने हुनरमंद लोग हैं और काफ़ी कंपनीज़ हैं। यहाँ से मैं यू टर्न लेके आया हूँ और ये मेन एंट्रेंस है जी रूबी फोम की, या बोर्ड भी देख सकते हैं। और यहाँ आने का मेन मकसद एक तो आपको मैं नहर दिखा दूँ मोतरा की, और उसके साथ साथ जो है मस्जिद जो है बड़ी इनकी अच्छी है और खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, जहाँ जुमा भी अदा किया जाता है। वर्कर्स और मकामी लोग भी यहाँ आते हैं जुमा पढ़ने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो ये जनाब हम साथ ही नहर के साथ साथ, ये देखिए एक रोड है, ये सामने मोतरा नहर बिल्कुल जनाब फुल चल रही है, और ये भी जो है हेडमराला की तरफ से आती है, जो मैंने आपको ब्लॉक में दिखाया भी था हेडमराला पूरा सियालकोट का जो है। तो ये देखिए जनाब बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत ये नहर है और इस टाइम बिल्कुल फुल चल रही है जी, बारिशों का सीज़न है। तो ये मस्जिद की मैं बात कर रहा था, ये देखिए सामने बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ये मस्जिद का मुझे लगती है इसका जो स्ट्रक्चर है, तो माशाल्लाह ये जो मकामी लोग हैं यह नमाज अदा करते हैं। और बिल्कुल ये नहर के साथ रूबी फोम वालों की फैक्ट्री है, उसकी ये मस्जिद है जी, और नहर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और बड़ा। यहाँ जब आप आएँगे तो आपको वेदर जो है काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि बिल्कुल साथ ये काफ़ी बड़ी नहर है जो ये जनाब चल रही है। तो ये देखिए जनाब ये पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पूरा, ये यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो डस्का की तरफ आप चला जाएंगे, और आप अगर राइट साइड पे जाते हैं तो सियालकोट की तरफ। तो मैंने अपने व्यूवर्स को डस्का तो दिखा दिया था, वापस अब सियालकोट की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को जनाब जो कंपनीज़ है बड़ी बड़ी सियालकोट की, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको दिखाऊं जो बड़ी कंपनीज़ हैं। स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट मैंने आपको दिखाई थी। तो ये देखिए जनाब रास्ते में आपको भट्टा भी मिलेगा जो ईंटों के काम करते हैं, और ईंटें यहाँ बनती हैं, काफ़ी भट्टे हैं इर्द गिर्द के इलाके में। और ये देखिए एक और कंपनी है, पूरा डस्का रोड भरा हुआ है जी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, बड़ी अच्छी कंपनी ये भी आ रही है जनाब ऑर्बिट, बहुत मशहूर कंपनी है, होजरी का ये काम करते हैं। और देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट है इनकी भी। तो जितना ही आप यानी डस्का से लेके सियालकोट तक फर्म्स ही फर्म्स है, अगर एक एक की बात करूँगा तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। जो मशहूर कंपनीज़ हैं वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, और ये बाबे सियालकोट जनाब आ चुका है। ये देखें बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा बनाया जी, ये एंट्रेंस है सियालकोट की, और इस टाइम हम दोबारा सियालकोट में एंटर हो चुके हैं। तो अब रास्ते में मज़ीद आपको मैं कंपनीज़ जो हैं वो भी दिखाऊंगा, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं और बहुत बड़ी बड़ी जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, वो भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी। ये देखें ये राइट साइड पे ये टैलेंट वालों ने जनाब इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है अपना, टैलेंट स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी कंपनी है, तो उनका ये इंस्टीट्यूट है, बड़ा अच्छा इकदाम है जनाब, बच्चों को तलीम भी दी जा रही है यहाँ पर। तो ये देखें कितनी अच्छी और खूबसूरत बिल्डिंग है, और डिस्पेंसरी भी है जी, ये जयफर मेमोरियल डिस्पेंसरी। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सियालकोट के जितने मुहैर अफराद हैं और बड़ी कंपनीज़ वाले हैं माशाल्लाह फ्लाई कामों में बड़ा हिस्सा लेते हैं, ये अभी आपने डिस्पेंसरी भी देखी है, ये भी उनका एक जनाब इकदाम है। और ये पैना ओवरसीज़ जनाब ये मार्शल आर्ट्स बनाते हैं, देखिए मार्शल आर्ट्स का यहाँ काम होता है, और ये देखिए बसें ही बसें और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, ये यानी पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए रखी गई हैं, लोगों को घरों से जनाब लेबर्स को लेते हैं और यहाँ काम वगैरह करवा के फिर वापस छोड़ के आते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है इस कंपनी की भी, पैना ओवरसीज़ की बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ।
और उसके साथ साथ ये देखिए जनाब एक और कंपनी है, बिल्कुल साथ साथ कंपनीज ही कंपनीज हैं जो यानी बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट करती हैं सियालकोट से। तो आगे मैं आपको मज़ीद जनाब अभी टैलन भी आएगी, मेडिकल भी आएगी, वो भी कंपनी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये यूसुफ ग्रुप एंड कंपनी है जी, ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल और काफ़ी यानी हौजरी का बड़ा काम हो रहा है सियालकोट में अब। और अगर आपको टाइल्स पत्थर वगैरह चाहिए तो ये भी जनाब एक कंपनी है यहाँ, बड़ी अच्छी और बड़ी सस्ता है, यहाँ से पत्थर मिलता है हाजी साहब से। तो ये जनाब इसके बिल्कुल आगे मेडिकल कंपनी है जी, ये सर्जिकल की है। ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, आपको मैं सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ अभी। और आप देखिए लेबर्स के लिए पार्किंग का भी रखा गया इंतज़ाम यहाँ पर। और ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है मेडिकल, तो ये सर्जिकल की कंपनी है। और उसके साथ ही ये जनाब आप ये एक और कंपनी देख रहे हैं, इस कंपनी का नाम जी फर्स्ट अमेरिकन है, बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट है इनकी भी, ये ग्लव्स बनाती है। और देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है इस कंपनी की भी। और इसके साथ साथ आपको मैं जनाब सिटी हाउसिंग बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल फर्स्ट अमेरिकन के साथ ही, ये आप देखिए सिटी हाउसिंग की ये एंट्रेंस है, इस पर भी मैंने व्लॉग किया हुआ है, आप वो भी व्लॉग देख सकते हैं। बड़ी मशहूर और खूबसूरत ये यानी हाउसिंग सोसाइटी है जी, सियालकोट की मशहूर हाउसिंग सोसाइटी है, ये गुजर चुकी है जनाब। और इसके आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, अब टैलन स्पोर्ट्स भी आएगा। और इसके अलावा ये जनाब एक यूरेका इंडस्ट्री, बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसकी भी, ये देख सकते हैं आप, ये जनाब यूरेका, मैंने जूम भी किया है। तो यानी देखिए माशाल्लाह एक्सपोर्ट से भरा पड़ा जी, ये शेख ऑफ सियालकोट ये लेफ्ट साइड पर गुजरी है। तो कंपनीज ही कंपनीज है, सागा का बड़ा नाम होता था लेकिन अब सागा स्पोर्ट्स जो है ख़त्म हो चुकी है। ये प्रो सेफ्टी, ये सेफ्टी आइटम्स और साथ साथ जनाब सूट्स वगैरह भी बनाते हैं ये वाले, ये कंपनी जो है। और बसें आप देख सकते हैं बाहर, यानी कतारें लगी हुई हैं बसों की। तो यानी डस्का से आप जब स्टार्ट होते हैं और सियालकोट तक, इवन के शहर के अंदर भी आप आ जाएंगे तो कंपनीज ही कंपनीज आपको मिलेंगी। और ये एमबी स्पोर्ट्स जो बैट बनाती है, बड़ी मशहूर कंपनी है इसका, यानी एक कंपनी यानी सियालकोट के अंदर भी है और ये इनकी बाहर भी है एक। ये देखिए बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है इसकी, एमबी स्पोर्ट्स की, मलक स्पोर्ट्स। तो यहाँ बैट बनते हैं जनाब बड़े खूबसूरत, और इंटरनेशनली खेला भी जाता है एमबी का बैट। तो आगे आएंगे तो आपको जनाब मज़ीद ये फ्रास्ट स्पोर्ट्स है, यहाँ जनाब आपको जितना भी उसका कहले हौजरी का कपड़ा वगैरह चाहिए, प्लिस्टर चाहिए, तो ये फ्रास्ट स्पोर्ट्स से मिलता है। काफ़ी कंपनीज यहीं से कपड़ा ले लेती है लोकली, फैसलाबाद से नहीं मंगवाती। तो ये जनाब कंपनीज ही कंपनीज़ हैं। और ये रास्ते में हुंडई के शोरूम और किया शोरूम, अगर आप गाड़ियाँ वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आपको डस्का रोड पे काफ़ी ज़्यादा शोरूम मिलेंगे। ये अब किया मोटर्स का जनाब ये शोरूम आ चुका है, ये देख सकते हैं जी आप। और आगे भी आप आएंगे तो कंपनीज ही कंपनीज आपको मिलेंगी। और जैसे आप सियालकोट के करीब आने लगते हैं तो फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सियालकोट यूनिवर्सिटी, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी थोड़ी कुछ ही देर में। तो ये देख सकते हैं आप बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं साथ साथ यानी कंपनीज ही कंपनीज। तो सियालकोट का बड़ा किरदार है जी एक्सपोर्ट में, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो रही है काफ़ी माशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये फ्लाई काम बड़ा करते हैं, इन्होंने एयरपोर्ट अपना बनाया है सियालकोट की, जितनी भी एक्सपोर्टर्स हैं इनका ड्राईपोर्ट अपना है माशाल्लाह। ये आपको यानी ये मिसाल बहुत कम मिलेगी कि सियालकोट के जो लोग हैं माशाल्लाह। ये मीर यूसुफ कंपनी आप देख सकते हैं, लेदर की कंपनी है जी, ये जैकेट्स बनाती है लेदर जैकेट्स। ये देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है ये लेदर जैकेट्स की मीर यूसुफ। तो मैं बात कर रहा था कि माशाल्लाह इन्होंने एयरपोर्ट भी अपना बना लिया है, उसके बाद अब एयर सियाल माशाल्लाह अपनी जो एयरलाइन है हमारी वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो माशाल्लाह देखिए कितना काम किया एक्सपोर्टर्स ने। और ये माइक्रो कॉरपोरेशन, तो यहाँ तक के रोड्स तक की जो सियालकोट की हैं वो एक्सपोर्टर जो मुहैया अफराद हैं, और सियालकोट की आवाम ने मिलजुल के जनाब खुद ये रोड्स भी बनाई हैं। तो यानी बहुत माशाल्लाह ये एक मिसाल है दूसरे शहरों के लिए कि सियालकोट के लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो फिल्टर प्लांट है वो हर कहले मोहल्ले में माशाल्लाह लगा हुआ है, आपने मेरे मोहल्ले के ब्लॉग भी देखे हैं सियालकोट के। ये जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट गुजर रही है, ये सियालकोट की यूनिवर्सिटी है जनाब, बड़ी अच्छी और बड़ा अच्छा यहाँ तलीम दी जा रही है बच्चों को। तो बहुत ही माशाल्लाह सियालकोट बढ़ चढ़ के जनाब हिस्सा ले रहा है तमाम, यानी कह लें कि जितना भी आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से और तलीम के हवाले से। तो हम इस टाइम जनाब सियालकोट एंटर हो चुके हैं, ये देख सकते हैं खुशामदी सियालकोट, ये हम पुलैक की तरफ अब जा रहे हैं जी यहाँ से, और आगे हाजीपुरा से होते हुए हम इंशाल्लाह घर पहुँचेंगे। तो आपको भी मैं मेन जो मशहूर चौक है जब आप सियालकोट एंटर होते हैं
तो आपको एक अनवर ख्वाजा के नाम से जनाब बड़ा ही मशहूर चौक मिलेगा। तो ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड जनाब ये कंपनी है, फुटबॉल बनाती है अनवर ख्वाजा इंडस्ट्री जो है, तो उनके नाम से जनाब ये चौक बना हुआ है। ये पुलैक है, ये देख सकते हैं, जैसे ही आप पुलैक क्रॉस करते हैं तो सामने आपको जनाब ये चौक बड़ा मशहूर नज़र आएगा। ये कह लें कि स्पोर्ट्स की तमाम जनाब यहाँ तस्वीरें वगैरह बनी हुई हैं स्पोर्ट्स गुड्स की। ये इस चौक की मैं बात कर रहा हूँ जी, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह ये ख्वाजा अनवर चौक इसको बोला जाता है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप नेवर्स, हम जनाब सियालकोट पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो ब्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा, ज़रूर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको जनाब सियालकोट स्पोर्ट्स सिटी के नाम से, आपको पता है मशहूर है, तो जितनी मशहूर मशहूर कंपनीज थी और बड़ी कंपनीज थी जो कि डस्का रोड पे वाक़ है, वो मैंने आज आपको सारी विजिट करवाई हैं और बाहर से दिखाई भी हैं। तो इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ज़रूर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे जो आने वाले व्लॉग्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।